ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, खबर का मतलब है भरोसा, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सरल सटीक सार्थक खबरों के लिए देखिए करोड़ों लोगों का पसंदीदा चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट, हर खबर आपके साथ आपके यहाँ। गुरुवार को पंकी के संकट मोचन धाम के महंत हरिदास महाराज कन्नौज आगमन पर पहुँचे, जहां महंत हरिदास महाराज के कन्नौज पहुंचते ही भक्तों ने फूल माला पहनाकर महंत हरिदास जी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद महंत हरिदास जी महाराज कन्नौज के आंटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रसाद वितरण के पश्चात उन्होंने भक्तगणों को दिव्य ज्ञान देकर समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद उन्होंने कन्नौज शहर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दिव्य दर्शन कर पूजा अर्चना की। बता दें इसके बाद उन्होंने माता क्षेमकली मंदिर व राधा रानी मंदिर में भगवान के दर्शन किए। साथ ही इससे पूर्व महंत हरदास जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण के प्रदेश सचिव मतीन कादरी के आवास पर पहुंचे। इसके उपरांत उन्होंने बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मतीन कादरी, अरविंद यादव, मनोज यादव, अनूप यादव सहित कई भक्तगण मौजूद रहे। कन्नौज से शिवम सैनी की रिपोर्ट। फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल।